नमस्कार, मैं आलोक कुमार शर्मा, इंजीनियर एंड मेंटर। आज हम आपसे बातें करने जा रहे हैं मिग वेल्डिंग के बारे में और आर्क वेल्डिंग के बारे में। हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली वेल्डिंग के बारे में पूछे जाते हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या है, मिग वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, मिग वेल्डिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, विच इज बेटर मिग वेल्डिंग देन आर्क वेल्डिंग। तो इन सवालों के हम जवाब जानेंगे। आर्क वेल्डिंग एक स्टिक वेल्डिंग भी है जिसमें एक रॉड के ऊपर कवरिंग की जाती है। इलेक्ट्रोड जो यूज होता है हमारा, जिससे आर्क निकलती है, अगर आप समझ पाएंगे कि जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारे दो बेस मेटेरियल हम लेते हैं, जिन बेस मेटेरियल को हमें इलेक्ट्रोड के द्वारा वेल्डिंग करनी होती है। जो इलेक्ट्रोड है हमारा, वो एज ए फिलर मेटल का काम भी करता है, और इलेक्ट्रोड की सहायता से वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रोड जो होता है वो कंज्यूमेबल आइटम होता है। इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कवरिंग होती है जो सील्ड गैस का काम भी करती है। सील्ड गैस बेसिकली आर्क वेल्डिंग में स्लैग भी आता है, जो वेल्डिंग के बाद हमें रिमूव करना होता है। ये एक डिसएडवांटेज पॉइंट भी है आर्क वेल्डिंग का, इसमें स्लैग आता है। आर्क वेल्डिंग के लिए हमें हाई प्रेशर जो सिलेंडर होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। जो आर्क वेल्डिंग होती है बहुत ही इजी वेल्डिंग होती है, मतलब जो उसका सेटअप होता है बहुत लो कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस में भी बहुत कम खर्चा लगता है, और जो बेसिकली इसकी टॉर्च है उसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं, एंगल दे सकते हैं, तो बहुत ही इजी वेल्डिंग है, मतलब बहुत सिंपल वेल्डिंग है आर्क वेल्डिंग। हम बात करेंगे व्हाट इज मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसको कुछ लोग वायर वेल्डिंग भी कहते हैं, जो एक नोजल के थ्रू या वायर फीडर से जो कंट्रोल की जाती है। वायर फीडर से एक वायर जो है नोजल के पास तक आता है, जो वायर है और जो गैस आती है उसका जो हमारे हैंड पर जो कंट्रोल होता है, और जो वायर है वो पेनेट्रेट होकर एज ए फिलर मेटेरियल यूज होने के बाद वेल्डिंग करता है। जैसे आप जानेंगे कि किसी भी वेल्डिंग के लिए बेस मेटल की जरूरत होती है, सेम इसमें भी दो बेस मेटल होते हैं, और जो हमारा वायर है वो फिलर मेटल का काम करता है। जो हमारी गैसेस जो आती हैं या जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और जो गैस साथ में आती हैं, अगर मतलब हम जिसको कंट्रोल करते हैं, जो वायर होता है वो एक लाइनर के थ्रू अपना टॉर्च तक आता है, उसमें आगे एक टिप होती है, टिप के पीछे एक डिफ्यूजर लगा होता है जिससे हम गैस कंट्रोल करते हैं, इसको हम गैस डिफ्यूजर भी बोलते हैं। जो नोजल है उससे फिर जब आगे वायर निकलता है, नोजल से होते हुए जो गैसेस आती हैं वो शील्डिंग गैस होती हैं बेसिकली, जो इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं उन्हें दूर करती हैं। जो ये गैस यूज़ हम करते हैं ये हाई प्रेशर सिलेंडर में रखी जाती है, जो हम रेगुलेटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल मैकेनिज्म होता है, लेकिन मशीन पर सभी कंट्रोल दिए जाते हैं। पोलैरिटी, वायर स्पीड और वोल्टेज जो है ये मशीन के ऊपर ही दिया जाता है। रख रखाव में थोड़ा सा मतलब टफ होता है। एडवांटेज ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग जो है लो कॉस्ट वेल्डिंग है, जो इसका सेटअप है बहुत ही सस्ता होता है। अगर जनरल आप चाहेंगे तो 10-12 हज़ार रुपये में आर्क वेल्डिंग का सेटअप तैयार हो जाता है। जो इसके डिसएडवांटेज हैं, अगर आप देखेंगे वेस्टेज काफ़ी होता है, और जो मैन पावर है वो उसमें स्किल मैन पावर हमें चाहिए होती है। अगर हम जानेंगे कि एडवांटेज ऑफ मिग वेल्डिंग, हाई स्पीड वेल्डिंग है, लो कॉस्ट वेल्डिंग होती है, और जो मैन पावर है वो भी हमें लो स्किल मैन पावर इसमें काम कर जाती है। अगर अब हम जानेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मिग वेल्डिंग, जो सेटअप है वो कॉस्टली होता है। अगर हम बात करें कि अगर मिग वेल्डिंग का हमें सेटअप लगाना है तो मिनिमम कॉस्ट हमें 60-70 हज़ार रुपये चाहिए, और वहीं पे आर्क वेल्डिंग हमारा 8-10 हज़ार रुपये में सेटअप तैयार हो जाता है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट आता है इसमें,
रख रखाव टफ होता है। अभी जो एक सबसे बड़ा जो सवाल हमारे सामने आता है, विच इज बेटर आर्क या मिग। अगर मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और या जो मैंने भी पढ़ा है, दोनों ही वेल्डिंग इक्वल। बेसिकली वेल्डिंग में हम पेनेट्रेशन देखते हैं कि किस वेल्डिंग का कितना पेनेट्रेशन है, तो मेरे हिसाब से दोनों वेल्डिंग इक्वल है, पेनेट्रेशन अच्छा आना चाहिए, लेकिन इनके अपने अपने यूजेज हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मिग वेल्डिंग का कहाँ यूज होता है, आर्क वेल्डिंग का कहाँ यूज होता है और क्यों होता है, बेसिकली मिग वेल्डिंग का जो यूज होता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। बेसिकली क्या, हमें हाई स्पीड चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होते हैं, और तो जो हमें आर्क वेल्डिंग से नहीं मिल सकता है। वहीं पे हमें क्या चाहिए होता है, जैसे हम फैब्रिकेशन में जाएं या ब्रिज जाएं या और भी ऐसे हैं इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में स्ट्रक्चर बनते हैं, वो सब आर्क वेल्डिंग से बनते हैं। वो आर्क वेल्डिंग से क्यों बनते हैं, रीज़न क्या है कि हमें सेटअप लॉ कॉस्ट चाहिए। हमारा सेटअप का मूवमेंट इधर उधर होता रहता है, कभी हम इस साइड पे हैं कभी दूसरी साइड पे हैं, और हमें कॉस्ट भी कम लगानी होती है। तो बेसिकली दोनों वेल्डिंग की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने एरिए हैं, तो दोनों वेल्डिंग इक्वल हैं बराबर। तो ये आज हमने जाना है कि मिग वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग क्या है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार।